हेलो एवरीवन, एसईएफओ पॉलिनोमियल्स में हम अब आप बात करेंगे टाइप नंबर टू की। ठीक है, इसमें कभी कभी हमें फैक्टराइज भी लिखा होता है, कैसे करना है पहले आप सवाल नंबर वन समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास एक क्वेश्चन है 4a² b और प्लस का साइन देखो इस बार आ गया है और यहाँ पर आपको दे दिया है 10a b और c भी यहाँ पर आपको दे दिया है। उसने यहाँ पे बोल दिया इसको फैक्टराइज करिएगा या कॉमन फैक्टर्स के सिलेक्ट करिएगा या स्कैटर लीजिएगा, तो कैसे लिया जाएगा ये आपको समझना है। देखिए, प्लस का साइन का मतलब है कि ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है, तो जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था सेम उसी तरीके से करना है, लेकिन करना कैसे ये थोड़ा देखना पड़ेगा, चेंज हो जाएगा तरीका। आपको पहले इक्वल टू लगाना होगा, इसके फैक्टर कर लेते हैं पहले 2 × 4। ठीक है, ए आपका एक बार है, बी कितनी बार है, 2 बार है, फिर प्लस का साइन लगाइए, आप इसके अलग करेंगे 2 × 5 क्या होता है 10, ए कितनी बार है एक बार, बी कितनी है 2, मतलब ये भी एक बार है, सी भी कितना है आपका एक बार है। ओके, क्लियर। अब हमें क्या है इस पूरे में, देखो ये आपका अलग टर्म है, ध्यान रखना है, और ये आपका अलग टर्म है, क्योंकि जैसे ही बीच में प्लस या माइनस आता है तो ये वाला अपना अलग टर्म हो जाएगा, ये अलग टर्म हो जाएगा, बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो वो पूरा एक ही माना जाता है। मींस ये रहा, अगर हमारा ये प्लस है ना बेटा, तो ये अलग है, ये अलग है। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, का मतलब देखिए 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है 2, तो आप एक तो इसमें से 2 बाहर ले सकते हैं इस तरीके से, 2 यहां पर है तो यहां पर 2 नहीं है छोड़ दीजिएगा, ए यहां भी है, ए यहां भी है, तो ए बाहर ले सकते हैं, और ए कितनी बार है केवल एक बार, तो यहाँ भी एक बार है, कोई दिक्कत नहीं। बी देखिएगा, बी हम बाहर ले सकते हैं दोनों में से, बिल्कुल ले सकते हैं, और देखिएगा इंटू लगा सकते हैं आप पहले (a × b), ठीक है बेटा, और सी यहाँ तो है लेकिन यहाँ पर सी नहीं है, कॉमन नहीं लिया जाएगा। बी वैसे यहाँ पे एक और था, 2 बी थे ना, लेकिन यहाँ पर एक ही बी है तो कॉमन तो एक ही आएगा ना, फिर आप लगाएंगे ब्रैकेट। ये तरीका है लेने का, ठीक है, जब हम कोई भी चीज दो चीजों में से कॉमन लेते हैं ना तो ब्रैकेट लगा के अंदर जो चीज बचती है वो लिखी जाती है। तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, देखो 2 नहीं लिखना है आप लोगों को, ए नहीं लिखना, बी नहीं लिखना, तो क्या बचेगा आपके पास 2b बचेगा, देख लीजिएगा ध्यान से। प्लस का साइन लगाएंगे बीच में, 2 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, ए भी नहीं लिखा जाएगा, बी भी नहीं लिखा जाएगा, बस केवल क्या लिखा जाएगा 5c लिखा जाएगा, और ये आपका हो गया फैक्टराइज। ठीक है, इस तरीके से भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2ab, क्योंकि आप इनटू का साइन लगा के हटा देंगे, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2b + 5c। हो सकता है कि आपको समझ में आया हो, एक और एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। आपके पास सपोज करिए यहाँ पर है 10a³ है और यहाँ पर है 15 केवल a² है। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या लेना है बेटा, कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन फैक्टर लेना है, कॉमन फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको हम एसएफ भी बोल देते हैं, वो इसका एसएफ भी लिखवा सकता है, कॉमन फैक्टर भी लिखवा सकता है, फैक्टराइज भी आपसे कह सकता है। तरीका क्या है, 2 × 5 = 10, क्लियर है, ए कितने बार लिखा जाएगा 3 बार, फिर आप इसके फैक्टर करेंगे 3 × 5 = 15, ए कितनी बार है 2 बार, ये याद रखना है, ये हमारा जो टर्म है पूरा अलग है और ये वाला जो टर्म है हमारा पूरा अलग है, जब तक एक दो लगी रहती है उसको सिंगल बना जाता है, जैसे ही प्लस आ गया मीन्स ये अलग और वो अलग। अब हमें देखना है कि इन दोनों में और मतलब इस वाले में और इस वाले में क्या चीज दोनों में कॉमन है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप लोग 5 दोनों में पाएंगे, 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर 2 नहीं है तो कॉमन नहीं लिया जाएगा, 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ नहीं तो कॉमन नहीं लिया जाएगा, केवल आप यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है बेटा, और क्या कॉमन है, देखो ए कितनी बार है 3 बार, यहाँ पे कितनी बार है 2 बार, तो कम वाला कॉमन लेंगे तो a × a। ठीक है, हाईएस्ट 2 ही कॉमन हो सकते हैं, मतलब हाईएस्ट देखो यहाँ पर 2 ही तो है, बेशक 3 दिख रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में हाईएस्ट चीज क्या है, दोनों में केवल 2 बार हाईएस्ट आ रहा है, उसके अलावा 5 नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप लिखिए ब्रैकेट, अब जो आपने लिख रहे थे 5 लिख चुके हैं, ये 2 बार लिख चुके हैं, ये नहीं आएगा, तो आएगा आपके पास अंदर 2a, बीच में प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 5 बाहर आ चुका है, a भी बाहर आ चुका है, a भी बाहर आ चुका है, क्या बचेगा अभी 3, और आप लिख लेंगे यहाँ पर क्या लिख लेंगे बेटा, दिमाग लगाइएगा 5a², क्योंकि ये 2 बार है, 2a + 3। इस तरीके से भी आप लोग जो है एसएफ कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है, इसमें आप देखिएगा इस तरीके से आपको मल्टीपल फंक्शन दे दिया है, xy² एक और दे दिया है, यहाँ पे सपोज करो xy दे दिया है, अब हमें जो है तीनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, 3 फंक्शन और 4 कोई फर्क नहीं पड़ता है, पता चलेगा जब बीच में प्लस या माइनस आ रहा होगा, यहाँ पे प्लस आ रहा है मतलब ये दोनों अलग हो जाएंगे,
ठीक है, फिर प्लस आ गया सब ये तीनों, ये अलग ये अलग ये अलग, तीनों के पहले हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर कहते करते हैं इसको लिखेंगे कितनी बार बेटा, तीन बार, एक बार फिर दो बार फिर तीन बार, फिर बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, ये x कितने बार लिखा जाएगा, दो बार, ठीक है, y सेम रहेगा, x इंटू क्या रहेगा आपके पास y। अब हमें ये देखना इस पूरे में, इस पूरे में और इस पूरे में क्या कॉमन है, ठीक है, जो भी कॉमन लेंगे उसे हम लोग बाहर ले लेंगे। यहाँ पर आपका जो कॉमन मुझे नजर आ रहा है वो देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक x तो बाहर आ ही जाएगा, ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर दोबारा x है, फिर दोबारा यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पर और x नहीं है, तो इसलिए आप x का जो सिस्टम है खत्म कर देंगे। यहाँ पर देखो और x है, तो यहाँ पर इतने x नहीं बचे, ठीक है बेटा, y है यहाँ पर दोनों में, तो इसमें y नहीं है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें तीनों में बस एक ही नंबर कॉमन है, वो है x। देखो x यहाँ भी आ रहा है, x यहाँ भी आ रहा है, x यहाँ भी आ रहा है। आप कहेंगे जरूर कि सर यहाँ पर तो x आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन बेटा वो यहाँ नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर केवल कॉमन एक ही x होगा, ये बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास एक्स वाई, और यहाँ पर बचेगा आपके पास ओनली फाइव, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा पहले इसको आप। क्वेश्चन नंबर फोर अब हम देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर फोर में आप देख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर वाई, ये अलग टर्म रहेगा क्योंकि देखो बीच में प्लस आ गया है, मैंने कहा जैसे बीच में प्लस या माइनस आ जाएगा ना, तो ये वाला फंक्शन अलग, ये वाला अलग, ये वाला अलग, आप चाहते हैं बीच में माइनस लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एक्स आएगा आपका दो बार, एक्स दो बार आएगा, वाई आपका एक बार आएगा, फिर बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है, ये प्लस है, एक्स केवल एक बार है, वाई आपका दो बार है, तो आपको मैंने अच्छे तरीके से सिखा दिया है एक्स कितनी बार है आपका, तीन बार है, ठीक है बेटा। अब तीन बार मतलब ये नहीं आएगा बेटा, ये एक्स ही रहेगा। अब ये देखना होगा कि इसमें, इसमें और इस वाले में, कि तीनों में कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है, जो तीनों में ही मिलेगा हम लोगों को, तो वो नंबर मेरे हिसाब से तो फिर से एक्स ही नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे y स्क्वायर कर देता हूँ तो फिर मेरे पास यहाँ पर y इंटू y हो जाएगा और कुछ कॉमन की जो संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो एक्स वाई यहाँ भी आ रहा है, एक्स वाई यहाँ भी आ रहा है, एक्स वाई यहाँ पर भी आ रहा है, तो आप दोनों में से x इंटू y कॉमन ले लेंगे, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर x दो बार है और यहाँ पर तो एक ही बार है, तो अब हाईएस्ट जो मतलब कॉमन है तीनों वो वन है, केवल एक बार एक्स कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, ओनली x बच जाएगा, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर एक y बचेगा आपके पास, और यहाँ पर जो है x का तो स्क्वायर बचेगा ही बचेगा, क्योंकि एक ही बार हुआ था, और y भी एक बच जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो है यहाँ पर कुछ नंबर ले सकते हैं, जैसे नंबर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सेम यही क्वेश्चन करेंगे सोल्व। फिफ्थ क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे फोर कर देता हूँ, यहाँ पे सिक्स कर देता हूँ, यहाँ पर टू कर देता हूँ, तो क्या कुछ कॉमन होगा, देखिएगा सेम यही रहेगा, तो थोड़ा सा क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। कैसे, फोर को लिखेंगे पहले, तो टू टू जा फोर, एक्स कितनी बार है, दो बार, वाई है एक बार, ये आपका अलग फंक्शन हो गया, प्लस टू थ्री जा सिक्स, एक्स कितनी बार है, एक बार, वाई कितनी बार है, दो बार, माइनस, फिर ये टू आएगा, एक्स कितनी बार लिखा जाएगा, तीन बार, और y कितनी बार लिखा जाएगा, दो बार। डरना नहीं है सवाल से, इतना बड़ा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, हमें ये देखना इस पूरे फंक्शन में, इस पूरे में और इस पूरे में, ठीक है। जो चीज इन तीनों में कॉमन होगी वो हम बाहर निकाल लेंगे, जो बच जाएगा उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो देखिएगा इस बार सब में देखो, टू यहाँ भी आ रहा है, टू यहाँ भी आ रहा है, टू यहाँ भी आ रहा है, तो कॉमन हो ही जाएगा निश्चिता, और देखो सब में x भी आ रहा था और y तो पहले ही आ रहा था, ठीक है। अब देखिएगा इनके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, देखो थ्री यहाँ है तो और कहीं थ्री नहीं है, x यहाँ पर दो बार है, यहाँ पर तो एक ही बार है, तो एक बार ही कॉमन दिया जा सकता है, ज्यादा बार कॉमन नहीं दिया जाएगा। y यहाँ पर एक बार है, अब यहाँ पे जब 20 बार हो या 100 बार हो, नो मैटर, जब यहाँ पे एक बार है तो एक बार ज्यादा बार आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कॉमन। अब 2xy को छोड़ के, 2 को छोड़ देंगे, ठीक है, मैं इसे देखो ऐसे काट सकता हूँ इस तरीके से आप इसे, ठीक है, हटा देखते हैं अभी, तो ये हो जाएगा 2x, रियलिटी में नहीं काटना आपको, ठीक है, 2x यहाँ से हटा दीजिएगा, y भी हटा दीजिएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 3y, ठीक है। ये गलत तरीका होगा आप इसे काट देते हैं तो, पर ये तरीका समझ में आ जाएगा आप लोगों को, 2b, xb और yb, तो क्या बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई, तो इस तरीके से आपका जो है आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है
थोड़ा उस समय जुड़वाया होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2xy, ठीक है। इसको हम फैक्टर इसका नाम दे सकते हैं या फिर कॉमन फैक्टर लेना है कि कॉमन फैक्टर लेके कितना ये, तो ये इसके जो है कॉमन हो गए हैं। या सिंप्लीफाई बोलो, सिंप्लीफाई करो तो पहले इनके फैक्टर कर लीजिए फिर आप इसके कॉमन ले लीजिए। अब एक कंडीशन ये तो बड़ी सिंपल सी कंडीशन हुई है, ठीक है बेटा। अगर थोड़ा सा इन सवालों को बढ़ा दिया जाए, कोशिश करिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट कॉमन लेते हैं, फिर इतना बड़ा कॉमन नहीं लेंगे फिर, ठीक है। कैसे होता हूँ क्या बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर आपके पास सपोज करो क्वेश्चन नंबर 6 में 20 लिखा हुआ है, एक्स वाई लिखा हुआ है, चलो इजी था। यहाँ पर उसने लिख दिया 35 सपोज करिएगा, और ये है एक्स वाई का स्क्वायर है फिर से, या फिर एक्स वाई छोड़ देते हैं, और यहाँ पर है आपके पास 70 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि आप इसको पूरे को लिख के सॉल्व करेंगे तो काफी बड़ा नहीं आएगा, चलो करके देखते हैं। 2 2 4 5 20, x रहेगा एक बार, y रहेगा दो बार, ठीक है। फिर हम 35 डिवाइड करते हैं तो 5 7 35 होता है, x into x होता है प्लस, तो 70 के फैक्टर होते हैं 2 2 5 10 7 70, x दो बार, y भी कितनी बार रहेगा, दो बार, ठीक है बेटा। समझ लीजिएगा, हमने इसके अलग फैक्टर करे, ये फैक्टर आपको करने आने चाहिए, इसके प्राइम फैक्टर करे, फिर इनको दोनों को सेम लिखा, इनके प्राइम फैक्टर करे उसको भी सामने सेम लिखा, ठीक है। अब ये देखना है कि सब में कॉमन क्या है। देखो यहाँ 2 2 आ रहा, लेकिन यहाँ अगर 5 है 2 नहीं है तो 2 का सिस्टम खत्म हो गया, ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पर 2 है नहीं है, इसमें नहीं है तो फिर खत्म, ठीक है। चलिए इसमें 5 है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, बिल्कुल तीनों में कॉमन है, तो आप तीनों में से कॉमन लेंगे। अगर आप भूल जा रहे हैं तो इस तरीके से उसके ऊपर कच्चे पेंसिल से आप ना एक एरो बता देंगे, ठीक है। चलिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो इन तीनों में देखो कम बार कहाँ है, तो कम तो बेटा देखो यही तो ना, एक बार तो एक ही बाहर आएगा, ज्यादा बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। इंटू लगाने का मन है लगाओ, नहीं तो भेड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जो है क्या कॉमन है, आपके देखो y दो बार जाना है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही बार है, तो फिर एक ही कॉमन होगा, ज्यादा कॉमन नहीं होगा। अब 5xy इसमें से भी हट जाएगा, 5xy इसमें से भी हट जाएगा, 5xy इसमें से भी हट जाएगा, और जो बाकी बचेगा वो आपका अंदर रहेगा। तो 5xy यहाँ से हटा सपोज करो, ये हट गया तो क्या बचा, 2 2 4y बचेगा, 5xy हटने पर यहाँ पर केवल 7 बचेगा, और 5xy यहाँ से अगर हटेगा तो आपके पास 2 7 14xy बचेगा। क्या आप समझ में आया नहीं आया, ठीक है। इसी को चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 5xy पहले आप लोग लिख सकते हैं 4y, क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाद में लिखा जा सकता है, इसको आपने पहले लिख लिया है, साइन प्लस का है तो प्लस का ही लिखा जाएगा, ये प्लस का 7 ही रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, ये भी आपका आंसर करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बस ये कि पहले एक्स वाई का वाले अलग लिख लिए हैं, जिसमें नहीं है उसको हमने बाद में लिख लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे ना फैक्टर करके थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिएगा नंबर 7, आप चाहे तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन कैसे लेके ये आपको देखना है। आप चाहे तो डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, ठीक है बेटा, कैसे कॉमन लेंगे ये आपको देखना होगा। चलिए एक तरीका और इसको करने का, तो वो तरीका क्या है कि हम डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें जो है अच्छे तरीके से टेबल पता होनी चाहिए, ये है 20, ये है 35, ये है आपका 70, ठीक है बेटा। अब ये देखिए दोनों किस टेबल में आते हैं, तीनों के तीनों, ये जिस टेबल में आता हो उसमें ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। ऐसा कौन सा कॉमन टेबल है मतलब जिसमें कि तीनों ही आ जाते हैं, डिविजिबल है। तो देखिएगा ये 5 के बाद आता है ना 4 बार में, ये 7 बार में, और ये कितनी बार है 17 बार, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं आ रहा तो आप पता करेंगे 20 को अलग लिख लेंगे, ठीक है। एक तरीका मैं आपको समझा देता हूँ, 35 यहाँ लिख लेंगे, 70 यहाँ लिख लेंगे, इसको किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा, लेकिन तीनों एक ही नंबर से होने चाहिए। जैसे कि एक नंबर है हमारा 5, देखो एक तो 2 से कर सकते हैं, 2 से ये डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 35 बार, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको SCF लेना है इनका कि SCF क्या है, तो आपको एक नंबर यहाँ लिखना होगा कोई भी, जैसे 5, तो 5 से ये तीनों के तीनों डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये 4 बार में, ये 7 बार में, ये 14 बार में, ठीक है बेटा। अब आप देखिएगा कोई ऐसा टेबल है जिससे 2 4 भी कट जाए, 7 भी और 14 भी, ऐसा कोई टेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसका केवल जो SCF होगा वो 5 होगा, 5 हमने कॉमन ले लिया, x कितनी बार है एक बार, यहाँ पर कितनी बार है एक बार, यहाँ पे कितनी बार है दो बार,
काम कौन सा है, एक है ना बेटा, तो इनमें से एक आप एक्स भी बाहर ले सकते हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर लेने के वाई कितनी बार है, दो बार, यहाँ पर वाई कितनी बार है, एक बार, यहाँ पे कितनी बार है, दो बार, काम कौन सा है, ये वाला एक बार वाला है ना, तो एक ये भी बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब ये कॉमन ले लिया, इसको यहाँ से बाहर निकाल लेना सबको, और जो बचा हुआ था लिख लेना, जैसे कि 5 4 20, ठीक है, एक्स आपका बाहर है, वाई कितनी बार है, दो बार, तो आपने एक वाई भी बाहर ले लिया होगा, फिर 5 7 कितना होता है, 35, एक्स आपका बाहर, वाई भी आपका बाहर, और फिर से देखिएगा ये आ जाएगा 14, और एक्स रहेगा आपका केवल एक अंदर, और वाई भी बाहर है, तो 2 3 1 बच जाएगा अंदर। इस तरीके से भी आप कॉमन ले सकते हैं, ये आगे हमें काम आएगा। अभी फिलहाल हम लोग ऐसा बात नहीं कर रहे, टाइप 2 नंबर जो है हमारा फैक्स का, उसमें हमको सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। नंबर 8 की अब हम बात करेंगे, ठीक है, 8 में क्या करना है, बिल्कुल सिंपल इजी, अभी हम इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमारा एक क्वेश्चन दिया है टेन ए बी, सपोज करो यहाँ पे हम अगर 4 या 5 कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर है आपका 20 a b की पावर 7, और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 a की पावर 10 b की पावर 6, तो फिर आप देखिएगा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि b 5 बार लिखना है, फिर b 7 बार लिखना है, फिर a 10 बार, b 6 बार, लंबा नहीं पड़ गया। तो इसको एक तरीके से आप कर सकते हैं कि आप इसके फैक्टर कर लो, बस केवल 2 5 10, ठीक है, और a b की पावर 5 आप सेम रहने देना। फिर से सुन लो, जो नंबर दिया उसका फैक्टर कर लो, बस जैसे 2 2 4 5 20, और ये जो नंबर है आपके पास ये पूरा सेम रहने देता हूँ, ऐसे ही यहाँ पे 5 रहता हूँ, 5 को फैक्टर होते नहीं है, और इनटू में रहता है a की पावर 10 b की पावर 6। ये याद रखना है जब तक बीच में प्लस या फिर माइनस ना आ जाए, माइनस तो लगता है इस बार, जब तक बीच में माइनस ना आ जाए, ठीक है बेटा, तब तक वो ड्रॉप अलग नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक ये पूरा एक टर्म है, यहाँ से देखिए यहाँ तक ये पूरा एक टर्म है, यहाँ से देखिए यहाँ तक एक टर्म है, या फिर यहाँ तक है, यहाँ तक है, बीच में प्लस आ गया ना, जैसे ही बीच में प्लस आ जाएगा तो मान लीजिए ये टर्म अलग है, ये अलग है, और ये वाला टर्म आपका अलग है। अब आपको जो है यहाँ से कॉमन लेना है, कॉमन कैसे लेते हैं, पहले नंबर में से कॉमन लेंगे, तो 2 5 2 2 5 5, तो देखो यहाँ पे से देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ है, लेकिन 2 यहाँ नहीं है, तो 2 तो खत्म हो जाएगा, 2 की बात ही नहीं करेंगे। 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ भी है, तो आप यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं। अब ये तो आसान है, देखो यहाँ पर कितनी बार है, एक बार है, यहाँ पर कितनी बार है, एक बार है, यहाँ पर कितनी बार है, 10 बार है, 10 टाइम्स है, तो आपको क्या है, जो कम से जो कम है वाला बेटा वो कॉमन लेंगे, तो एक ही मिलेगा इसमें। हाईएस्ट अगर हम देखेंगे तीनों में कॉमन, तो वो केवल 1 है ना, ये तो 10 बार है, पर ये हाईएस्ट कॉमन नहीं हुआ ना, हाईएस्ट कॉमन क्या हुआ आपके पास, एक ही है। किधर हुआ, बी कितनी बार है, 5 बार, बी कितनी बार है, 7 बार, बी कितनी बार है, 6 बार, कौन सा कम है, कम है 5 वाला, देखो तो ज्यादा है ना बेटा, तो ज्यादा हुए, तो कम से कम हमारे पास 5 बी कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। अब इनके अलावा जो भी बचा हो, तो मतलब आपने देखो 5 बार निकाला, a बार निकाला, b की पावर 5 निकाला, सारा बार आ गया, तो क्या बचा ओनली 2, फिर लगा देंगे बीच में प्लस, तो देखो 2 तो आपके पास बचेगा, यानी कि 4 तो हमारे पास रहेगा रहेगा, 5 आपके पास ऑलरेडी बाहर आ चुका है, a भी आपके पास बाहर आ चुका है, आने को तो b भी आ चुका है, लेकिन b की पावर कितनी थी यहाँ पे, 7, यहाँ पे कितनी थी, 5, तो देखो 5 इसमें से अगर हम कम कर लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, कौन सा, b की पावर को, ऐसे ठीक है, माइनस साइन लगा लो बीच में, 5 बार आ चुका है, a 10 बार था, a की तो आपने बाहर दिया है, तो कितने बच गए, 9 बच गए, तो यहाँ पर आप 9 लिख लेना, ठीक है। b कितनी बार है, 5 बार, यहाँ b कितनी बार है, 6 बार, तो कॉमन आप कितना लेंगे यहाँ से, 5 बार दिया है इसमें से, तो केवल 1 भी बचेगा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो, अभी और भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये है नंबर 9, ठीक है। नंबर 9 में कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, एक तरीका तो है आपका वो वाला जो मैंने आपको शुरू में समझाया, ठीक है बेटा, जैसे टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्या था, कि आप 10 के फैक्टर अलग करो, a को एक बार देखो, b को 5 बार देखो, देखिए तब तक चलता है जब छोटी वैल्यूज दे रखी हो। अब देखो जैसे मैंने एक सवाल आपको दे दिया, यहाँ पर है आपके पास 21, एक्स की पावर सपोज करो 7 और वाई की पावर है 8, यहाँ पर आपको दे दिया 14, एक्स की पावर 10, वाई की पावर 15, प्लस यहाँ पर दे दिया आपको 28, एक्स की पावर 7, वाई की पावर 2।
अब देखिएगा क्या आप ऐसा संभव है कि मैं इसमें यहाँ लिख पाऊंगा ऐसा, क्योंकि x 7 बार आएगा, y 8 बार आएगा, फिर इसके फैक्टर 10 बार 15 बार काफी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इनके फैक्टर अलग कर लेंगे बस केवल, ठीक है बेटा। और बाकी जो नंबर रहेगा वो सेम छोड़ देंगे। 21 के फैक्टर आपको पता होगा, 37 जो होता है 21, x की पावर 7, y की पावर 8, सेम अलग आते ही अलग। इसका फैक्टर करेंगे, 27 जो होता है 14, x की पावर 10, y की पावर 15, सेम, ठीक है। प्लस ये इफेक्ट होते हैं, 22 जा 4, 7 जा 8, 28, x रहेगा 7 बार, y की पावर रहेगी 2 बार। बीच में आप मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, जो कि आप यहां भी लगा सकते थे, जो कि आप यहां भी लगा सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है। ये पूरा आपका एक टर्म माना जाएगा, ये पूरा अलग, ये पूरा अलग। कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे इन तीनों में ना एक ही नंबर कॉमन है, वो है 7। देखिए तीनों में आ रहा है, तो 7 कॉमन का मतलब है कि आप 7 लिखेंगे भी नहीं, तो 7 यहाँ पर भाग ले लेंगे। x कितनी बार आपका 7 बार है, यहाँ पे कितनी बार है 10 बार, यहाँ कितनी बार है 7 बार, यानी कि आपका जो है कम से कम जो है वो 7 बार है, तो 7 आप भाग ले लेंगे। तो यहाँ पर तो कोई x बचेगा नहीं, ठीक है, पूरा भाग आ गया, यहाँ पर 3 बच जाएंगे और यहाँ पर भी कोई x नहीं बचेगा। यहाँ पर देखिएगा y की पावर 8, 8 बार है, यहाँ पर 15 बार है, यहाँ पर कितनी बार है 2 बार, तो कम कौन सा हुआ, y की पावर 2 कॉमन हुआ ना, तो ये आप इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब आपके पास जो बचा है छोड़ के, तो ये बचेगा 3, पूरा बाहर आ चुका है, इसमें आपके पास 2 बाहर आए हैं, कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे। फिर इसमें आपके पास 2 बचा हुआ है, x की पावर है 10, हमने यूज करे हैं 7, यानी कि 7 भाग लिए थे, तो आपके पास 3 बच जाएगा। y का है यहाँ पर स्क्वायर, y की पावर यहाँ पर 15, तो कितना बचेगा आपके पास, y की पावर 13, ठीक है, क्योंकि आप देखो 15 है ना, तो आपने 2 ही तो केवल यूज करें, तो बाकी सब अंदर रहेंगे, ठीक है। और ये 2 2 4 हो जाएगा, x की पावर 7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम पहले ही बाहर दे चुके हैं, जो चीज बाहर आ गई वो आंसर नहीं लिखी जाएगी। y स्क्वायर भी बाहर आ चुका है, मीन्स आपका आंसर आ चुका है, ये होगा आपका आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। इस तरीके से मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लीजिएगा, जो कि आपको खुद करना है घर जाके, ठीक है। चलिए ये है आपका क्वेश्चन, में आपको दिया हुआ है 12, a की पावर 7, b की पावर 6, यहाँ पर है 16, a की पावर 8, b की पावर 20, नो मैटर, ये है 24, a की पावर 7, b की पावर सपोज करो 10, ठीक है बेटा। अब आप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, तो ये दे देता हूँ मैं आप लोगों को 70, a b की पावर 6 प्लस यहाँ पर दे देता हूँ 14, a की पावर 8, b की पावर 3, और ये दे देता हूँ मैं आपको 7, a की पावर सपोज करो 20, b की पावर दे दी 18, इस तरीके से दे सकते हैं। तो आप जो है इनमें से अलग कॉमन दो, a देखो कितनी बार है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 8 बार है, यहाँ पर 20 बार है, कम कौन सा है, एक a वाला कॉमन है, ठीक है। तो a केवल इसमें एक बार बाहर आएगा, यहाँ पर बच जाएंगे फिर 7, यहाँ पर बच जाएंगे 19, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, कुछ रिविजन टाइप क्वेश्चन में दे रहा हूँ। तो 7 a स्क्वायर b प्लस 14 ए बी स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। शुरुआत में याद करिएगा, ए बी सी यहाँ पर दिया है, ए स्क्वायर बी सी यहाँ पर दिया है, ए बी सी स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आप इनमें से कॉमन निकाल के देखेंगे क्या चीज इसमें से कॉमन है। 14 वाले क्वेश्चन में आपको हम दे देते हैं 16x की पावर 3, ये y रहेगा माइनस 12xy की पावर 4, ठीक है। कॉमन लेके देखेंगे क्या कॉमन है, ये है x की पावर 8, x की पावर 6, आपके पास है x की पावर 5 और प्लस x की पावर 4, देखेंगे क्या उसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको टाइप नंबर 2 समझ में आ गया होगा, टाइप 3 जो है इसका काफी मतलब थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। नोट कर लीजिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।